फिजिकल लेवल में सब सर्विस लोकेटर में ग्राउंड में जीआई सॉफ्टवेयर है। ये तुसी देखोगे कि जो जीआई सॉफ्टवेयर ने ये सर्वे इक्विपमेंट के किस तरह है, ठीक है जी। अच्छा एक थोड़ी जी मैं नाल नाल एक और ये माइक्रो नॉलेज ना कि छोटे तो छोटा भी ताजे देने चीज और मतलब अच्छा आपके सर्वे इक्विपमेंट लिखा गया है, इक्विपमेंट्स क्यों नहीं मैंने लिखा, ये मुझे थोड़ा सा बता दें। यानी माइक्रो टीचिंग जो है ना ये आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लेके जाती है, जब तक आपको छोटा कंसेप्ट नहीं याद होगा। इक्विपमेंट जाने इसका प्रूलर भी इक्विपमेंट ही है। अगर मैं इधर देखता ना सर्वे थर्डोलाइट तो वो एस लगना, आपका मतलब है कि सारे टोटल स्टेशन रिकॉर्डिंग कितनी सारी चीजें, लेकिन इसको इक्विपमेंट्स क्यों नहीं किया। हाँ इक्विपमेंट्स कभी भी आपने नहीं लिखना पूरी जिंदगी किसी भी फील्ड में दफ्तर में आपने ये नहीं लिखना कि इक्विपमेंट्स ज्यादा है। ये देखो ना इक्विपमेंट्स है ना सारे, आपने उसको क्या करना है इक्विपमेंट, इसका प्रूलर है ही नहीं है, ये खुद ही प्रूलर है, ठीक है। अच्छा आप टोटल स्टेशन, ये टोटल स्टेशन ये लगता है ऐसे कि जैसे कि बहुत सारे स्टेशन हैं तो उसको इकट्ठा किया गया, हालांकि नहीं इसका नाम है। ये 97 में एक सैटेलाइट आया था जिसका इन्होंने नाम रखा टोटल स्टेशन, ठीक है जी। तो इस नाम से भी इसकी एक ना पहचान है ये सैटेलाइट। इसमें इसकी क्या क्या आगे आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको टोटल स्टेशन क्यों कहते हैं। इसके बाद ये रोबोटिक आपको पता है कि आप नहीं है बंदा उधर नहीं है, रिबोट है तो उसके साथ भी इसको अटैच कर दें, होता ये भी टोटल, हाँ आगे टोटल स्टेशन भी लिखा हुआ है, टोटल स्टेशन ही इसके साथ होता है, लेकिन यह है कि बंदे के जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि सैटेलाइट्स है, ये आपको पता है ट्रांजिट और सैटेलाइट क्या फर्क होता है, ट्रांजिट भी बोलते हैं ना लोग तो सैटेलाइट। अगर तो वर्टिकल प्लेन में वो घूम जाता है ना तो वो होता है सैटेलाइट, अगर वो जाके अड़ जाता है ना ऐसे जाके ऐसे फिर वो उधर जाके ऐसे तो वो होता है ट्रांजिट। पर अब दोनों काम में यही करता है जीपीएस, ये जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक छोटा एक डिवाइस है, ये काम करता है उसकी जगह पे कैसे करता है आएगा जीआईएस में बड़ा इसमें। रेक्टो रिफ्लेक्टर है कि आपने वो रिफ्लेक्टर लगाया हुआ उससे प्लस माइनस रे से होके 3D स्कैनर क्या है, मैंने जल्दी से बताना है 3D स्कैनर क्या है। स्कैनर आपको बताया 3D के उसकी जो प्रिज्म है वो तीन शक्लों में है, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है जी। इसी तरह ये रेडियोज हैं, डिजिटल लेवल है, सब सर्फेसिलिटेटर है, सब सर्फेस मनी उसके करीब करीब ग्राउंड है, ये आपको पता है। जीआईएस सॉफ्टवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर इसलिए कि इसके अंदर ही ना जरब तकसीम इसके अंदर ही होती है, ये नहीं काम करना।